नमस्कार, आप देख रहे हैं मार्केट टाइम्स टीवी। मैं हूं आपके साथ शालिनी श्रीवास्तव। बड़ी खबर की शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने प्रदेश के किसानों के गेहूं की खरीद के लिए बीते 1 अप्रैल से गेहूं क्रय केंद्र का संचालन शुरू करवा दिया है। संचालन शुरू हुए 13 दिन हो रहे हैं, लेकिन अभी तक केंद्र पर किसान अपनी फसल बेचने के लिए नहीं पहुंच रहे हैं, जिसकी वजह से केंद्र प्रभारियों में मायूसी देखने को मिल रही है। समय बीतते चला जा रहा है, लेकिन लक्ष्य के अनुसार गेहूं की खरीद का कार्य नहीं हो पा रहा है, क्योंकि किसान अपना गेहूं बेचने के लिए सरकारी केंद्र पर अभी तक नहीं पहुंचे हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में 62 गेहूं खरीदी केंद्र पर सन्नाटा पसरा हुआ है। इसकी वजह है कि किसान सरकारी तंत्र की लंबी लाइन से बचने के लिए अपने खेतों से ही अच्छे दाम पर गेहूं व्यापारियों को ये बेच रहे हैं। वहीं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गेहूं की मांग बढ़ने पर दाम भी काफी बढ़ गए हैं, और ऊपर से सरकार की मुफ्त राशन योजना के चलते भी गेहूं की मांग बढ़ी है। वहीं रबी की फसल का सरकारी दाम 2015 रुपए है, जबकि आंटी यानी व्यापारी खेत से ही किसानों की उपज को 2050 रुपए से ज्यादा का दाम देकर नकद खरीद रहे हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के नवीन मंडी स्थल पर सन्नाटा दिख रहा है। यहाँ बने सभी कांटों यानी क्रय केंद्र पर सन्नाटा छाया हुआ है, लेकिन बाद में गेहूं से लदी एक ट्रॉली आने से केंद्र प्रभारियों के चेहरे पर मुस्कुराहट भी दिखी, लेकिन तब भी 99% किसान अपना गेहूं बेचने के लिए सरकारी गेहूं क्रय केंद्र पर नहीं पहुंच रहे हैं। नवीन मंडी के गेहूं क्रय केंद्र के प्रभारी ने बताया कि क्षेत्र में इस समय गेहूं की कटाई का कार्य तेजी से चल रहा है, शायद इसी वजह से किसान अपना गेहूं बेचने के लिए क्रय केंद्र पर नहीं आ रहे हैं, लेकिन उम्मीद है कि आने वाले समय में किसान अपनी उपज बेचने के लिए सरकार की मंशा के अनुरूप सरकारी क्रय केंद्र पर जरूर पहुंचेंगे। तो बड़ी खबर में अभी बस इतना ही, और बड़ी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए मार्केट टाइम्स टीवी के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।